नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बनवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह आपका इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि आपका क्लास 6 टू 12 का समरी है, क्लास 6 टू 12 का, ठीक है। और यह आपका किताब जो है वन लाइनर किताब है और इस किताब से हम लोग जो है पढ़ेंगे आपका आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 43। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 43 पार्ट नंबर, पहला वीडियो आएगा तो आज हमारा पहला वीडियो होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 43 का, जो कि आपका नाम है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय जो कि आपका अध्याय 43 है, ठीक है, चैप्टर 43 नंबर, ठीक है। तो 1857 विद्रोह के दमन, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भी अनेक वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में ब्रिटिश शासन की आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भी अनेक वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों के विद्रोह होते रहे। जनता में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना उभरने लगी, जिसके कारण एक अलग प्रकार का आंदोलन जन्म लेने लगा, जिसने जल्दी स्वतंत्रता के देशव्यापी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत पर शासन किया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत पर शासन किया, भारतीय जनता के हितों, तो भारतीय जनता के हितों में और अंग्रेजों के भारत पर शासन करने के उद्देश्य में कोई साम्यता नहीं थी। भारतीयों में कुछ ऐसे वर्ग भी थे, तो भारतीय में कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्होंने अंग्रेजों को शासन सशक्त करने में सहायता दी थी, ठीक है। तो भारतीय जनता के हितों में अंग्रेजों के भारत पर शासन करने के उद्देश्यों में कुछ सहमता नहीं थे। भारतीयों में कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्होंने अंग्रेजों को शासन सशक्त करने में सहायता की थी, ठीक है। कुछ वर्गों को छोड़कर विशेष भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन हुए उससे जनता को एकजुट होने और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रेरणा मिली। ये परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा अपने शासन के लिए अपनाई गई नीतियों के परिणाम थे, ठीक है। इनके परिणाम स्वरूप जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट हुई। ब्रिटिश शासन ने अपने साम्राज्यवादी एवं शोषणकारी कार्यों से स्वयं अपने विनाश के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की थी, ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक एकता क्या है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लगभग संपूर्ण देश का एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकरण हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहां भारतीय शासक शासन कर रहे थे। वे ब्रिटिश शासन की कृपा पर आश्रित थे और नाम मात्र के लिए स्वतंत्र थे। वे दूसरे देशों के लिए के साथ संबंध स्थापित नहीं कर रहे थे, ठीक है। दूसरे देशों से उनकी रक्षा का दायित्व पूर्णतः ब्रिटिश शासन के हाथों में था। इन राज्यों की जनता ब्रिटिश प्रजा मानी जाती थी, ठीक है, क्योंकि इनमें से कुछ राज्यों का निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। भारत की राजनीतिक एकता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विदेशी शासन के अंतर्गत और उनके हित साधन के लिए प्राप्त की गई थी, ठीक है। इस एकता को ब्रिटिश शासित प्रदेशों में स्थापित प्रशासन की एक रूप व्यवस्था में ने अधिक मजबूत बनाया। कानून एक रूप बनाए गए और कम से कम सिद्धांत के रूप में उन्हें प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू किया गया, ठीक है। इस एकता को ब्रिटिश शासित प्रदेशों में स्थापित प्रशासन की एक रूप व्यवस्था ने अधिक मजबूत बनाया। कानून एक रूप बनाए गए और कम से कम सिद्धांत के रूप में उन्हें प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कानून के सामने समानता एकता का एक अंग बन। समानता एकता का एक अंग बन गई और संपूर्ण देश में प्रशासन तो संपूर्ण देश में प्रशासन की समान व्यवस्था और एक रूप कानून के ने देश के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों में समानता एवं एकता की भावना बढ़ाया, ठीक है। आर्थिक परिवर्तन रेल मार्गों के निर्माण के कारण माल और लोगों को पहले की अपेक्षा अधिक आसानी व तेजी से देश के एक भाग से दूसरे भागों तक ले जाना संभव हुआ। तो रेल मार्गों के निर्माण के कारण
माल और लोगों को पहले की अपेक्षा अधिक आसानी से व तेजी से देश के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना संभव हुआ। ठीक है, विभिन्न आर्थिक परिवर्तन, तो विभिन्न आर्थिक परिवर्तन जैसे व्यापार पर अपना आधिपत्य बनाए रखना, व्यापारिक फसलों को बढ़ावा देना आदि अंग्रेजों द्वारा जनता पर बलपूर्वक आरोपित किए गए थे, जिनके कारण जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, परंतु रेल मार्गों, तो परंतु रेल मार्गों तथा सड़कों के निर्माण, तो परंतु रेल मार्गों सड़कों के निर्माण से क्षेत्रीय संपर्क में हुई वृद्धि ने लोगों को एकजुट करने और उनमें समान आकांक्षाएं पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना, तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना, तो ब्रिटिश शासनकाल में, भारत ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत बन गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण भारत में उद्योगों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ। आधुनिक का व्यापार और तो आधुनिक व्यापार और उद्योग का विकास जो है आधुनिक व्यापार और उद्योग एकीकरण की प्रबल शक्तियाँ हैं जो देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे के समीप लाती है। ठीक है, उद्योगों में काम वाले, तो उद्योगों में काम करने वाले लोगों के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों और संप्रदायों के होते हैं, अतः ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है जिनमें उनमें जातियाँ सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तत्व समाप्त होने लगते हैं। तो उद्योगों में काम करने वाले लोग देश के विभिन्न भागों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों और संप्रदायों के होते हैं, अतः ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है जिनमें जातीय सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तत्व समाप्त हो जाने लगते हैं। ठीक है, कारखानों में काम करने वाले लोगों, तो कारखानों में काम करने वाले लोगों में भाईचारे की भावना उभरने लगती है, इससे भी एकजुट होते हैं, तो कारखानों में काम करने वाले लोगों में भाईचारे की भावना उभरने लगती है और इससे भी एकजुट होते हैं एवं विशेष मांगों के लिए आंदोलन करते हैं। फलस्वरूप नगर क्षेत्र राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, इन सभी कारणों से उद्योगों के विकास के लिए लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में प्रारंभ हुआ आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए विकास ने राष्ट्रीय चेतना को उभारने में सहायता की। उद्योगों का विकास होने से समाज में दो महत्वपूर्ण वर्गों, पूंजीपति वर्ग और औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, इन दोनों वर्गों के अधिक विकास के लिए देश का औद्योगिकरण होना आवश्यक था, क्योंकि ब्रिटिश शासन भारतीय औद्योगिक विकास में बाधक बना हुआ था, इसलिए वह इन दोनों वर्गों का भी विरोधी था। ठीक है, इनमें से प्रत्येक वर्ग के अपने सार्वदेशिक हित भी थे। उदाहरण के लिए, संपूर्ण देश के सूती कपड़ा कारखानों के मालिक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण समान रूप से प्रभावित हुए थे और उनकी समस्या व उद्देश्य भी समान थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, तो आधुनिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, तो आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने राष्ट्रीय चेतना की को उभारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा की बात की थी उसके कारण वह उद्देश्य सीमित थे। ठीक है, ब्रिटिश शासकों का विचार था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय उनके शासन के समर्थक बने, परंतु राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय नेताओं ने अंग्रेजी शिक्षा का स्वागत विभिन्न कारणों और उद्देश्यों से किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश शासकों का विचार था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय उनके शासन के समर्थक बने, परंतु राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय नेताओं ने अंग्रेजी शिक्षा का स्वागत विभिन्न कारणों और उद्देश्यों से किया था। ठीक है, उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारत के लोगों को विश्व के उन्नत ज्ञान की जानकारी मिलेगी, इससे भारतीयों को यूरोपीय भाषाओं के साहित्य और विश्व के अन्य भागों की घटनाओं की जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में पश्चिम में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और पश्चिम के महान विचारकों ने जनतंत्र, समानता और राष्ट्रवाद के समर्थन में ग्रंथ लिखे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा और मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने नए क्रांतिकारी विचारों को बल प्रदान किया, जिससे जो है आपका तो अमेरिका 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिम में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, पश्चिम के महान विचारकों ने जनतंत्र, समानता और राष्ट्रवाद के समर्थन में ग्रंथ लिखे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा और मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने नए क्रांतिकारी विचारों को बल प्रदान किया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बलपूर्वक कहा कि किसी भी देश के वास्तविक शासक वहां के लोग होते हैं, लोगों को यह अधिकार है कि वे ऐसी सरकार को उखाड़ सके जो उनकी आकांक्षाओं के रूप काम नहीं करती है और उनका अनुकरण करती है। शिक्षा ने भारतीयों के लिए आधुनिक ज्ञान के द्वार खोल दिए
और जिससे उनमें राष्ट्रवादी और जनतांत्रिक विचार अपनपने लगे। दूसरे देशों के क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी आंदोलन उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। संपूर्ण देश के शिक्षित भारतीयों को देश की समस्याओं के विषय में एक समान दृष्टिकोण बनने लगा था। ठीक है, उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, इसलिए सभी शिक्षित भारतीय अंग्रेजी भाषा से परिचित थे। इससे देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में आसानी हुई। शिक्षित भारतीयों ने संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता के विचारों के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई तथा अनेक यूरोपीय भाषाओं के ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। उन्हें स्वयं ग्रंथ लिखे एवं तथा पत्र पत्रिकाएं निकाली। उन्होंने भारतीय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला था। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो बॉक्स था उसको बॉक्स पर पढ़ते जो छूट रहा था। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय, तो आपके स्वतंत्रता से पूर्व जो स्थापित विश्वविद्यालय थे उनके बारे में पढ़ते। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना चेन्नई सॉरी सॉरी मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। ठीक है, एक मिनट, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में थी, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में, नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1923 में, आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में, आरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में, अलमलाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1929 में, केरल विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में, और आपका राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग है। ठीक है, तो आपका 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में, इलाहाबाद 1887 में, मैसूर 1916 में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी 1916 में, पट्टा विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1923 में, आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में, आगरा विश्वविद्यालय सॉरी आगरा 1927, अन्नामलाई 1929, केरल विश्वविद्यालय 1937, और राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा गया तो प्रमुख शिक्षा आयुक्त जो भी आया। ठीक है, तो सबसे पहले पर था चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, और उसमें आपका जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी हंटर 1882 में आया था, और उसमें आपका जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, रॉयल आयोग जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, ये आपका 1902 में आया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, सैडलर आयोग 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, इंच कैप आयोग 1923 में, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, हार्टोक समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा समिति थी 1929 में, लॉर्ड इनवी के काल में, लिंडेस आयोग प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 1929 में, लॉर्ड इनवी के कार्यकाल में, सार्जेंट आयोग 1944 में, लॉर्ड बिबल के कार्यकाल में, और राधाकृष्ण आयोग 1948 में, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में आया था। ठीक है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आपका जो है 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, रैले आयोग 1902 में, सैडलर आयोग 1917 में, इंच कैप आयोग 1923 में, हार्टोक समिति 1929 में, और लिंडेस आयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1929 में, और आपका जो है सार्जेंट आयोग 1944 में, और राधा कृष्ण आयोग आपका 1948 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में शिक्षा का विकास, तो भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सेवनटीन एटी वन में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की वारन हेस्टिंग ने, 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की वारन हेस्टिंग ने 1784 में, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की विलियम जोन्स ने, 1791 में बनारस, तो 1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला लॉर्ड वेलेजी ने, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला लॉर्ड वेलेजी ने, 1813 के चार्टर एक्ट, तो 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 का प्रावधान किया गया,
भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट था। पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता, तो पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मधुसूदन दत्त ने किया था। सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद, तो सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विलिंगकन ने। और अभिज्ञान संकुतलम, तो अभिज्ञान संकुतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विलिंगकन ने, और अभिज्ञान संकुतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट आपका है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, और इसमें आपका क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो भारतीय शिक्षा का, तो ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना काटा कहा जाता है, और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम था भारतीय भाषा, उस शिक्षा का माध्यम था अंग्रेजी भाषा। ठीक है, और लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना 1854 में हुई थी। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना 1854 में, और उसी के तर्ज पर भारत में तीन विश्वविद्यालय खोले गए थे, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय 1857 में आपका तैयार हुआ था। ठीक है, और शिक्षा विभाग का गठन किया गया था यहाँ पर चार्ल्स वुड डिस्पैच में, और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, हंटर एव 1882 और 1883, तो हंटर एव 1882 में और 1883 में, और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यापारिक व व्यावसायिक शिक्षा भी यहाँ पर लाया गया था, आपका कमर्शियल शिक्षा और कमर्शियल एजुकेशन और आपका वोकेशनल एजुकेशन को लाया गया था हंटर एव के हमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर आपका जो है हंटर आयोग में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1882 में, अलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1884 में हुई थी। ठीक है, रैले कमीशन, तो रैले कमीशन की स्थापना 1902 में हुई थी, तो रैले कमीशन की स्थापना 1902 में, और सुझाव क्या था द भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो भारतीय विश्वविद्यालय 1904 में, लॉर्ड कर्जन शिमला प्रस्ताव। ठीक है, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण और अध्ययन व शोध पर बल दिया गया था। ठीक है, तो आपका रैले कमीशन 1902 में सुझाव था, तो भारतीय विश्वविद्यालय 1904 में, लॉर्ड कर्जन शिमला प्रस्ताव। ठीक है, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण और अध्ययन व शोध पर बल दिया गया था। ठीक है, सैडलर सैडलर विश्वविद्यालय, तो आपका है सैडलर विश्वविद्यालय 1970 में, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल ई सैडलर। ठीक है, भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी, तो आपके भारतीय सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियादीन अहमद। उद्देश्य क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था आपका सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका हार्टुक समिति 1929 में आया था, तो हार्टुक समिति 1929 में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, तो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा पर बल दिया गया, मूल शिक्षा की वाधा योजना 1927 में, तो मूल शिक्षा की वाधा योजना 1937 में, और भी जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया, तो जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया प्रथम बार, तो प्रथम बार हरिजन पत्रिका, तो प्रथम बार हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर एक योजना बनी, और 7 वर्ष तक, तो 7 वर्ष तक निःशुल्क व मातृभाषा में शिक्षा दी गई, तो 7 वर्ष तक निःशुल्क व मातृभाषा में शिक्षा दी गई। ठीक है, ये आपका हार्टुक समिति था 1929। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा पर बल, मूल शिक्षा की वाधा योजना 1937 में, तो मूल शिक्षा की वाधा योजना 1937, जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया, और प्रथम वर्ष हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर एक योजना बनी, और 7 वर्ष तक निःशुल्क व मातृभाषा में शिक्षा दिया गया। ठीक है, सार्जेंट योजना, तो आपका सार्जेंट योजना जो 1944 में आया, तो सार्जेंट योजना 1944 में प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा दी गई, यहाँ पर 3 से 6 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा थी, 6 से 11 वर्ष तक प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा, आपका 11 से 17 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा दिया गया था। ठीक है, ये आपकी योजना बनी थी, जिसमें आपकी सार्जेंट योजना में 1944 में। ठीक है, प्राथमिक व उच्च शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर। ठीक है, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व माध्यमिक, पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा, और 11 से 17 वर्ष के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा दी गई। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग 1948 में, तो राधा कृष्ण आयोग 1948 में इस आयोग ने उच्च शिक्षा को एकीकृत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, इनके अनुशंसा पर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन हुआ 1957 में। ठीक है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे ने की थी, तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे ने की थी, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो डक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने, भारतीय विश्वविद्यालय, तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 को हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, तो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष जो था,
दबाव पर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण किसान, शिल्पकार और कारीगरों को अत्यधिक नुकसान हुआ और परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भारत के आर्थिक पिछड़ेपन, तो भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए अभी ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार थी और ब्रिटिश शासन भारतीयों के हितों के विरोधी था। यह अनुभव किए जाने पर ही भारतीय जनता में जो है राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन में तो भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन में जो खर्च होता था उसे भारतीय जनता ही वहन करती थी और भारत की ब्रिटिश सरकार ने दूसरे देशों के साथ जो लड़ाइयाँ ली उनसे भारतीय जनता के शोषण में वृद्धि हुई। ठीक है, भारत के ब्रिटिश शासन ने जो विशाल सेना खड़ी की थी उसका खर्च भारतीय जनता से वसूल किए गए करों से पूरा होता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता के प्रति जातीय घृणा और जातीय अभिमान की भावना को बढ़ावा दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने उन भारतीयों को भी अपमानित किया जो न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर आसीन थे। आम लोगों को पीटा गया और यातनाएं दी गई। कहीं ऐसे स्थान थे जहां भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध थे। रेलगाड़ी में गोरों के लिए सुरक्षित कंपार्टमेंट होते थे। ऐसे सुरक्षित पार्क भी थे जहां केवल यूरोप प्रवासी ही जा सकते थे। इसके कारण जो है राष्ट्रीय चेतना में उभार आने लगा और अपने प्रति अपमानों में भेदभाव के विपरीत रोष बढ़ने लगा। ठीक है, राष्ट्रीयता का उत्थान होने के कारण विचार करने, भाषण देने और अभिव्यक्ति समाचार पत्रों, पुस्तकों जैसे प्राकृतिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगने प्रारंभ हो गए। इस नीति के बावजूद भारतीय जनता में विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय संगठन के रूप में प्रकट होने लगी थी। ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कब हुई? 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के आसपास भारतीयों की राजनीतिक सभाएं स्थापित होने लगी और इसकी स्थापना कलकत्ता, मुंबई और मद्रास आदि प्रेसिडेंसी नगरों में हुई। इन संस्थाओं में देश के प्रशासन में भारतीयों के भागीदार बनाने की मांग उठाई गई। भारतीय जनता के कल्याणार्थ भारत और ब्रिटेन के ब्रिटिश अधिकारियों के पास आवेदन को भेजने के लिए 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, और ऐसे ही उद्देश्य के लिए 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, इन सभी एसोसिएशनों सभाओं के सदस्य अधिकतर भारतीय समाज के उच्च वर्ग के लोग थे और इनकी गतिविधियां सीमित थी। प्रशासन में सुधार करने सरकार के संचालन में जो आपका भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए करों में कमी करने और भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति समाप्त करने के लिए सरकार और ब्रिटिश संसद के पास याचिकाएं भेजना था। ठीक है, यद्यपि ये सभाएं मुख्यतः अपने अपने प्रांतों में ही काम करती थी, परंतु उनके घोषित उद्देश्य भारतीय जनता के उद्देश्य थे, न कि देश के किसी एक प्रदेश या समुदाय के उद्देश्य थे। अनेक ऐसे संगठन बनाए गए जो उपयुक्त सभाओं की अपेक्षा जनता का प्रभावित ज्यादा प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो अनेक ऐसे संगठन बनाए गए जो उपयुक्त सभाओं की अपेक्षा जनता का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा और 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि थी। ठीक है, तो 1876 में स्थापित हुई इंडियन एसोसिएशन, 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में स्थापित हुई बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कुछ घटनाओं के कारण 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संतोष और अधिक बढ़ गया और सरकार ने भारतीयों की मांगों को पूरा करने के प्रयास से विरुद्ध दमनकारी कदम उठाए थे। ठीक है, 1878 ईस्वी में शस्त्र कानून बनाया गया जिससे भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी वर्ष भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए। 1883 में सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों को जातीय अहंकार को कम करने वाले ऐसे विधेयक इल्बर्ट बिल को वापस लिया जो उनने स्वयं पेश किया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल नामक इस विधेयक के अंतर्गत भारत में रहने वाले किसी अंग्रेज या यूरोपवासी पर भारतीय न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। ठीक है, भारत में अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के उद्देश्य से ही यह विधेयक पेश किया गया था, परंतु भारत में रहने वाले अंग्रेजों और यूरोपवासियों के विरोध के कारण इस विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने दिसंबर 1882 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी लोगों को
देश में सभी भागों के लोगों को एकत्र किया था दिसंबर 1885 में। तो दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसी वर्ष कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो इसी वर्ष कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन नेशनल एसोसिएशन INA का आयोजित किया गया था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन बन गया, और इस संगठन ने भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस था, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 44 होगा, तो आपका चैप्टर नंबर 43 कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है।